नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कला सफ़र। क्लास वन में हमने ड्राइंग की वार्म अप एक्सरसाइज के बारे में सीखा और क्लास टू में हमने उन बेसिक शेप का यूज़ करके 2D शेप्स कैसे बनाते हैं वो सीखा। अगर ये दो वीडियो आपने देखे नहीं होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हो। आज हम मिरर ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। मिरर ऑब्जेक्ट्स मतलब सिमेट्रिकल शेप्स, जिसके दोनों साइड के डिज़ाइन सेम सेम हो, उसको मिरर ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अभी हम सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं वो देखते हैं। आप देख सकते हो कि इस पॉट के दोनों साइड सिमिलर है और उसी जगह पे हम अभी जो एसिमेट्रिकल वाला बना रहे हैं उसके दोनों साइड के डिज़ाइन अलग अलग हैं, तो इसलिए हम इसे एसिमेट्रिकल बोलेंगे। मिरर ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए इक्वल डिस्टेंस पे सेम डिज़ाइन का होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप बॉक्स मेथड का यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये फ्री हैंड वाला है। विदाउट ग्रिड लाइन का यूज़ करके आपको प्रॉपर शेप नहीं मिलेगा। आप इसकी जगह बॉक्स मेथड का यूज़ करोगे तो आपको प्रॉपर शेप्स मिलेंगे, इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल डिज़ाइंस मिलेंगे। बॉक्स मेथड को ग्रिड मेथड भी बोलते हैं। उसका यूज़ करके मिरर ड्राइंग कैसे बनाते हैं वो अभी हम सीखेंगे। हमने पहले 1-1 सेंटीमीटर के स्क्वायर बनाए, उसमें डायगोनल लाइन दी। और इसको मिडल से पार्ट किया। अभी हाफ जगह पे अपना डिज़ाइन बनेगा और उसके हाफ जगह पे मिरर ऑब्जेक्ट। ड्रॉ करते समय आप इन बॉक्सेस को नंबर दे सकते हो, जिससे कि आपको मिरर ऑब्जेक्ट बनाने में आसानी होगी। आपको इसमें कौन से पॉइंट से लेकर कौन से पॉइंट तक एंड करना है ये समझता है और उससे डिज़ाइन अच्छा बनता है। तो ऐसे ही अभी हम एनिमल्स के मिरर ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं वो देखेंगे, जिससे कि आप सिंपल तरीके से एनिमल्स के ड्रॉ कर सकते हो। हनीबी को अभी हम ड्रॉ करेंगे। मधुमक्खी बनाने के लिए हमें लगेगा एक छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल, जो कि वो छोटे सर्कल के नीचे आएगा। और इस शेप का यूज़ करके हम मधुमक्खी के विंग्स बना सकते हैं। एक साइड का विंग हम अपने तरीके से बना सकते हैं और दूसरी तरफ का विंग बनाने के लिए हम वही डिस्टेंस का यूज़ करेंगे। में जो जो पार्ट विजिबल दिखना चाहिए उस पार्ट को ब्लू पेन से ड्रॉ कर रही हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि कौन सा पार्ट हमें डार्क बनाना है और कौन सा पार्ट लाइट बनाना है। ये सारे डिजाइंस ऑब्जेक्ट्स हमने जो फर्स्ट क्लास में वार्म अप एक्सरसाइज सीखा था उनसे ही बनते हैं। हमें सारे चीज़ों को प्रॉपर मेजरमेंट के साथ ही बनाना है, जिससे कि ऑब्जेक्ट अच्छी दिखती है। अभी हम दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। उसके लिए हमें पहले एक ओवल शेप बनाना होगा। ओवल शेप आप डायरेक्टली बनाओगे तो और बेटर रहेगा। अभी यहाँ पर भी आपको आर्क का यूज़ करके इसके विंग्स बनाने हैं।
और प्रॉपर डिस्टेंस लेके दूसरी साइड पे विंग बनाना है। आप इसमें बॉक्स मेथड का यूज़ भी कर सकते हो जिससे कि डिज़ाइन और भी अच्छा लगेगा। अभी हम एक लीफ बनाते हैं जिसका आउटर साइड सिमेट्रिकल होगा पर उसका इनर साइड में हम अलग अलग शेप्स डाल देंगे। रेड पेन का मतलब है कि हमें पेंसिल से बहुत ही लाइट तरीके से ड्रॉ करना है। इसके अंदर आप डिफरेंट शेप्स यानी कि सर्कल, ट्रायंगल ऐसे भरेंगे तो वो लीफ और अच्छे से खुल के आएगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और डिज़ाइन भी अच्छा लगेगा। तो फाइनली अभी हम एनिमल्स की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम ड्रॉ करेंगे एक छोटा सा डॉगी। उसके लिए हमें एक सर्कल लगेगा और एक ओवल शेप। ये सारे शेप्स को आपको बहुत लाइटली ड्रॉ करना है जिससे कि बाद में हम इसको रब कर सकते हैं। अभी जो जो रिक्वायर्ड पार्ट है उनको हम ज़रा डार्क करेंगे। अभी हम कैट बनाते हैं। उसके लिए हमें एक ओवल शेप लगेगा और एक सर्कल। इन दोनों को हमने फ्रंट व्यू में बनाया था। अभी हम एक कैट को साइड व्यू में कैसे दिखेगी वो बनाते हैं। अभी हम बंदर बनाना सीखते हैं। इसलिए हम एक स्क्वायर को हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसमें तीन सर्कल बनाएंगे और बीच में ब्रेड का स्लाइस बना देंगे तो इससे इसका मुंह बन जाएगा।
इसे भी आप बॉक्स मेथड का यूज करके बना सकते हो। अभी रिक्वायर्ड पार्ट को हम डार्क करेंगे। आज का ये मिरर ड्राइंग वाला वीडियो आपको कैसे लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइए। और अब तक जिन्होंने क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्लासेस और वीडियोस आएंगे तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करिए। आप ऐसे फ्लावर का डिज़ाइन भी बना सकते हैं, इसमें भी आपके शेप्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। हा वीडियो तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट मध्ये नक्की कळवा। कलासफर चॅनल ला सब्सक्राइब करा आणि बेल आयकॉन ला ऑल वर सेट करा। वीडियो आवडल्यास वीडियोला लाईक शेअर सब्सक्राइब करायला विसरू नका। सोबतच बेल वाजवा, यामुळे तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओ पाहायला भेटेल।